हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज खुशी। आज हम बहुत ही सुंदर डीआईवाई बनाएंगे। देखिए, मेरे पास दिवाली पर जो कलश आते हैं, ऐसे मैंने ढेर सारे इकट्ठे किए थे। इस पर मैं डार्क ग्रीन कर रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखिए, मैंने पूरा कलर कर दिया है। कलश के ही अकॉर्डिंग मैंने दिया को भी कलर किया है। ये देखिए, मैंने एक दिया लिया है। यहाँ पर मैं वाइटनर यूज कर रही हूँ। इस पर भी बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। वाइटनर यूज करेंगे आप, 10-15 रुपए के अंदर भी ले में आ जाता है। देखिए, इस पर मैं बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ। मुझे ये डिजाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने इस पर कैमरा बंद कर दिया था। आप इसको देख लो, समझ में आ जाएगा कि मैंने इस पर किस तरह से डिजाइन दिया है। आप अपने मन से भी इसके में डिजाइन दे सकते हो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ। आप लोग बताओ कैसे बना है ये। देखिए, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये, इसका ये कॉम्बिनेशन। और फिर मैंने दिए पर भी वही सेम डिजाइन किया है। आप अलग पैटर्न भी कर सकते हो। ऐसे मैंने 4 पीस बनाए हैं। मेरे पास 4 कलर्स थे। इस पर मैंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। एक डार्क ब्लू और पिंक का शेड किया है, एक ग्रीन और रेड कलर। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो इसमें। यहाँ पर मैंने एक वायर का, लोहे का वायर लिया है। देख रहे हैं आप, इसमें एक स्टिक भी ले सकते हो। और फिर मैंने एक क्लॉथ से इसको कवर कर दिया है। आप इस पर कलर भी कर सकते हो। फिर कवर करने के बाद यहाँ पर मैंने लेस लिया है। आप इसको लेस अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर का लेस लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर रेड कलर का लेस लिया है। यहाँ पर पूरे में लगाने के बाद यहाँ पर मैं एक थ्रेड ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर हैंडमेड मोती बनाई थी, उसी को सिक्योर कर रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, बहुत अच्छे से नॉट टाई करना है आपको, ताकि ये बाद में हमको खुले ना। ऐसे हमें सारे करने हैं। मैंने यहाँ पर जो कलश बनाए थे उसको भी इसमें हैंग करने हैं। देखेंगे प्रोसेस, आपको समझ में आ जाएगा। लीजिए, बातों ही बातों में हमारी वॉल हैंगिंग बनके रेडी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए कैसा बना है। चलिए सेकंड डीआईवाई बनाते हैं। मैंने पहले दिया बड़ा लिया था, दोनों दिए को अटैच कर दिया है वॉल पुट्टी से। ये देखिए प्रोसेस, आप समझ जाएंगे। वॉल पुट्टी और फेविकोल में अटैच कर देना है। देखिए, दोनों को एक दूसरे में चिपका देना है। चिपकाने के बाद थोड़े से पानी लेने हैं हमको। पानी से स्मूथ कर लेना है, ताकि बाद में ये निकले ना। अच्छे से आपको स्मूथ करना है, लगे कि मैंने इसमें वॉल पुट्टी ऐड ही नहीं किया है। बहुत ही अच्छे से आपको इसमें वर्क करना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। हम लोग इस पर कलर का काम स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पर डार्क मैरून कलर किया है। अगर आपको डार्क मैरून कलर बनाना है तो थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड कर देंगे, रेड कलर में बन जाएगा आपका। देखिए, पूरा कलर करने के बाद मैंने 2 पीसेस रेडी किए हैं यहाँ पर। इस पर फ्लावर ऐड कर दें। दिस इज़ फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।